बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाम दो या का नस्तैन। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं ब्रीफिंग देता चलूँ, अपडेट करता चलूँ कि जो तालिबान ने भारतीय तैयारा अगवा कर लिया है, उससे भारतीय मीडिया जो है बौखला गई है और भारतीय मीडिया की जो फड़फड़ाहट है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और साथ ही साथ इसी तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मैं इस वीडियो को चालू करता हूं, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह भारतीय मीडिया अपने जहाज़ जो कि उनका तैयारा है, उन जो कि तालिबान ने अगवा कर लिया है, उसकी वजह से किस तरह बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूं। अफगान सेना के लिए तालिबान को रोकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है और जिस भारतीय हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है वो आपको बताया, दरअसल भारत, बेलारूस और अफगानिस्तान के बीच 2018 में एक करार हुआ था जिसके तहत भारत ने 2019 में अफगानिस्तान एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था और भारतीय वायुसेना ने 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर अफगान की वायुसेना को दिए थे। आपको बता दें कि MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर 335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर है और रूस ने MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को बनाया है। तो अब इस भारतीय हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा है और साथ ही अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखिए जरा। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि ठीक है। दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।